डंडोजाम थाने के हेड मोहरर ने पसंद की शादी करने वाली अपनी भतीजी को जिरगे के जरिए कारी करार देकर कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। गोठ मोहम्मद खान बागरानी के रहायशी सफिया कुरैशी ने अपने शौहर मुनव्वर खास खेली के साथ हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि इसने 8 जनवरी को मुनव्वर के साथ पसंद की शादी कर ली थी, मगर वालदैन ने थाने में इसके अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करा कि इसके शौहर को गिरफ्तार करा दिया था। सिविल कोर्ट हैदराबाद ने उन्हें साथ रहने की इजाजत दे दी। इसके बावजूद इसके मामू डंडोजाम थाने के मुंशी मोहम्मद खान ने जिरगे बुलाकर इसके शौहर समेत कारी करार देकर कत्ल का हुक्म जारी कर दिया और कत्ल की कोशिश की, जिसकी वजह से वो गोठ छोड़कर हैदराबाद में आ रही। सफिया कुरैशी का कहना है कि उन्हें अब भी कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि इसके मामू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जानी और माली तहफ़ और इंसाफ फराहम किया जाए। तहफ़ दिनों चे सही है ते वहाँ घर वनो रजा खुशी से शादी कई है उनके बावजूद मेरे मामन के मोहम्मद खान इमरान अब्दुल रहमान दिलशेर खास केली मुरीद एजाज नदीम खास केली के यह गाल पसंद न आई चेस तवा के फोनन ते चवन पिया तो के सी मारिंदासी आई सुठो कोन कयो है तवा तो के खबर है साईं वरन जी थी ये कोन थी करे सकी आई साईं वरन जी दी जी इज्जत लुटी था साईं ये कयो था यो सुठो कोन कयो।